जोड़ी जूते की सेल नहीं ये हुई। कौन से हैं यार कि करोड़ों का घर जो है जूते बेच के तुम ले लोगे? पता नहीं जूते पता नहीं किसके साथ दो दिन दुकान पे जाते हो। गुची के साथ मैंने कोलैबोरेशन की है। जितने तुम्हें दो दिन हो ना दुकान जाते हो? सिद्दीकी साहब सालों से काम कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब ने घर नहीं बनाया अपने? सिद्दीकी साहब ने जो है वो उनका तो महल होना चाहिए था। नहीं सिद्दीकी साहब ने ये कारखाना भी तो किया है ना। यार इतना इमोशनल हो गया हूँ ड्रामे के अंदर, इतना रोया हूँ मैं यार। आप लोग कहते हो फिर रोते क्यों? फजल कब शादी करोगे, असल में या ड्रामे की बात करें आप लोग? नहीं ये फिर अगर मैं कहते इमोशनल हो जाऊँ, मैं इमोशनल हो गया फिर कहते हैं यार रोते हैं। सबसे बहुत गलत बात है यार। नहीं क्या करें ना, या तो उनको बोले कि सिर्फ रो, या तो उनको बोले कि सिर्फ हंसो। क्या नीचे करें? जी लाइव लो मुझे यार, हम लोगों को देख लें आप लोग, प्लीज रिप्लाई टू मी। अच्छा इनको अपने बेटों से पूछ सकते हैं काम समन के साथ न्यू प्रोजेक्ट में आपका नाम, आपको आना चाहिए फसल, आपको आना चाहिए फसल समन के साथ न्यू प्रोजेक्ट में। देखिए ये आप मैसेज आई ड्रीम को करें कि एक और ड्रामा बनाएं जिसमें फजल हुसैन जो है वो को ऐना के साथ रखें लीड कर रहा इंशाल्लाह। ये जुनैद है फजल, लेकिन जो मीटअप की जो बात है लकी वन ये माल पड़वाएगा वो कब रहा है वैसे ये मीटअप? ये कमिंग माइट बी पॉसिबल कमिंग वीक में। यार ड्रामे में तो बहुत रोया हूँ यार, और हमने एक असल में मैं आपको सीरियस बात है कि जो वासिफ का रोना दिखाया है ना, ये हमने एक स्टीरियोटाइप होता है कि मर्द जो होते हैं ना वो रोते नहीं है, बहुत स्ट्रांग होते हैं और मर्द को दर्द नहीं होता, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग को, और हमारी ये ट्यूनिंग है, हम लोगों को ये सिखाया जाता है हमेशा से, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मर्द को दर्द भी होता है, मर्द रोता भी है, मर्द इमोशनल भी होता है, सेंसिटिव भी होता है। तो जो ये स्टीरियोटाइप था कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं, हमने उसको खत्म किया है। मर्दांगी कमजोरी के मतलब लाइव है हम लोग तो तुम लोग लाइव हो यार, मैं तो नहीं हूँ, मेरा मसला थोड़ी है। यू अंडरस्टैंड, लेकिन इतना भी सर जी रोने का जो सीन था ना वो उसमें इसलिए दिखाया गया था कि जो इंसान कोई घर में बोल नहीं सकता ना, किसी चीज में डिसीजन नहीं ले सकता, तो वो यही कर सकता है। मगर मर्द बेटा भी अच्छा बना, अजीब सा कॉमेंट है। नहीं वो सही कह रहे हैं, उसमें ना वासिफ ने बाद में गलत किया, मैंने गलत नहीं किया, वासिफ ने गलत किया। कह रहे फनी फजल भाई आप पे फनी कैरेक्टर भी शूट करते हैं, जोकर बन अगले ड्रामे में जोकर बन रहे हैं। खुदा और मोहम्मद सीजन 5 जोकर। और सबसे बड़ी बात भाई की स्पाइडरमैन आ रही है सिंधी में, कह रहे ईजा कह रहे ईजा के साथ भी लाइव आ गए। ईजा लाहौर में? ईजा लाहौर में है, मैं कराची में हूँ। वासिफ जोरू का गुलाम है जी, बिल्कुल जोरू का गुलाम दिखाया गया। हाँ वासिफ है, लेकिन बात ये है उसमें जोरू का गुलाम तो नहीं कहूंगा उसमें। देखो मेरा भी एक डायलॉग था कि जो मर्द अपनी बीवी की बात माने या अच्छे से बिहेव करे तो वो जोरू का गुलाम हो जाता है, और ना बात करे तो वो जो है वो माँ का चहेता, माँ का चहेता हो जाता है। जैसे वो कहती है ना अजरा जो है जमाल को जब कहती है तुम तो माँ के तोते हो, ठीक है जो माँ की बात मानता है वो माँ का तोता हो जाता है, जो बीवी की बात मानता है वो रन मुरीद हो जाता है। सही बात है। 18 प्लस लाइव, 18 प्लस लाइव सेशन विद जुनैद नियाज़ी एंड फजल हुसैन 18 प्लस। नहीं तो यही बात है, और लोगों को ये बात समझनी चाहिए, और ड्रामे में ये दिखाया जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है ना एक्टर्स वही करते हैं, एक्टर्स के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, वो जाके ये कह सके मैं ये सीन नहीं कर रहा या मैं ये चीज नहीं करना चाहता, अदरवाइज स्टोरी कैसे बढ़ेगी? अगर मैं उसमें कह देता कि नहीं मेरी माँ मेरे साथ रहेगी, मैं माँ को कहीं नहीं जाने दूंगा, तो वो आगे स्टोरी बढ़ती कैसे? आप तमाशा 2 में हैं? ये तो पता चलेगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। देखिए सीजन 4 में आ रही है, तो आदमी जाए तो जाएगा। सही बात है, आदमी जाए तो जाएगा,
फंस जाते हैं इसी बैलेंस के चक्कर में। प्लीज भाई जवेरिया से मिलवा दे, जवेरिया भाभी गई हुई है यूएस गई हुई, वो यहाँ पे है नहीं। कह रहे हैं आप लोग इंडिया कब आएंगे? इंडिया वाले मिलेगा, इंडिया वाले बुला ले। लव योर डिसिप्लिन्स, थैंक यू जी। तो ये कमेंट को रीड कर ले मेरा, तो ये कमेंट जी नैना खान बोले फरद भाभी कहाँ है? वो फरद घर पे होगी। अजरा भाभी और वासिफ, अजरा भाभी अजरा भाभी वासिफ मैसेज नहीं किया यार, वासिफ ने अब जो किया बस कर दिया। वैसे बांग्लादेश से ना बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे, लेकिन मैं और जुनेद भाई जितनी हमारी कास्ट लोग आते रिप्लाई नहीं कर सकी, क्योंकि डीएम्स में बहुत मैसेज होता है। सो थैंक यू सो मच जो भी बांग्लादेश यूएस यूके इंडिया जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं बेबी बाजी के, थैंक यू सो मच। आप लोगों के मैसेजेस पढ़ते हैं और कभी कभी मिस भी हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे मैसेज आ रहे होते हैं। कमेंट्स वगैरह जो है मैं पढ़ता रहता हूँ आपके यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी, तो थैंक यू सो मच। रामीन कहाँ है? रामीन कोमे में चली गई थी, उसके बाद उसको बाप ने यूएस भेज दिया। आप दोनों इकट्ठे कहाँ बैठे हैं? हम लोग कहाँ बैठे? अच्छा वलीद एक्टिंग के सुपर डुपर यार, वो तो है ही एक्टर ना, मैं मेरा उस्ताद है ये। देखिए अली चिश्ती के बाद जो है ना एक जिंदगी में मेरी जिंदगी में एक और बंदा आया, आयान, ठीक है, और वो मेरी बात अभी इग्नोर कर रहा है, आयान नाम है उसका, ठीक है। तो अली चिश्ती के बाद मैं आपको उससे मिलवाऊंगा और जुनैद भाई भी उससे मिलवाएंगे। थाईलैंड गया हुआ था, थाईलैंड कहां गया हुआ था? मैं मुझे ये बताओ, थाईलैंड में गेम शो के लिए गया था यार, एक एयर बाइक के ड्रामे में थाईलैंड का भेजा मुझे, थाईलैंड नहीं गए, यूरोप गया था मैं आई थिंक ड्रामे के अंदर। फजल भाई आपको दाढ़ी सूट करती है, थैंक्स मैन। मैं भी यही कहता हूँ, उसको समझाओ, सारे समझाओ इसको यार। एक्चुअली मैं रखता नहीं हूँ दाढ़ी, बट तो अब हाँ वो मैं चाहता हूँ ये रखें। सीजन फाइव कर रहा हूँ ना, सीजन फाइव कर रहे हैं खुदा मोहम्मद का अकेला। जो भी एयरवे से या इधर उधर से लाइव आया होगा ना, वो गाड़ी देगा मुझे बात, खुदा मोहब्बत करें अकेले अपने मोबाइल पे शूट करके। आप हैदराबाद कब आएंगे? आप बुला लें हम आ जाएंगे। आपको गर्मी लग रही है? नहीं गर्मी नहीं है, यहाँ पे मक्खियाँ बहुत है। किसने बोला गर्मी लग रही है? तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है एक्चुअली। गुड़ को देख के मक्खियाँ आ जाती है ना फौरन से। देखिए मीम बन सकती है प्लीज। फजल भाई अपना नंबर दे दो, चलो नंबर लिखो यार मेरा, जितने भी लोग हैं ना मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, बाकी मैं बात करूंगा कॉल पे, ठीक है। और जल्दी से आओ, जिस जिसको मेरा नंबर चाहिए फौरन मुझे मैसेज करो। एक बंदे ने मुझे बोल दिया फजल भाई अपना नंबर दे दो, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, डन। आपकी डॉक्टर का नाम ईसा, जब तक ये आप नंबर बताएं मैं जरा मैसेज पढ़ लूं। हेलो वलीद, वलीद टू परफॉर्मेंस फ्रेंड ही रिटर्न फ्रॉम लाहौर दैट आई लव योर एक्टिंग। क्या बात है यार, मैं भी थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। कमाल का एक्टर है ये, कमाल का उस्ताद है हमारे। इज़ा के साथ भी लाइव आए जुनेद न्याजी लवर, मैं बिल्कुल इज़ा के साथ लाइव आऊंगा, लेकिन जब लाहौर जाऊंगा मैं कराची। कमेंट है से हिना 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 तीन बार, तीन बार बोलना था ना। जी जी हिना हिना सही। अस्सलाम वालेकुम, यूट्यूबर कौन है आपका यार? अच्छा मेरा यूट्यूबर फेवरेट पुनीत सुपरस्टार। नहीं यार मुझे कैरी मनाटी बहुत अच्छा लगा उसकी वो। अच्छा एक और चीज कि अब हम जितने भी फैंस हैं ना उनमें से किसी एक को हम लाइव लेंगे अपने साथ, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ दो दो मिनट के लिए लेंगे प्लीज। तो जिस जिसको भी हमारे साथ लाइव आना है तो वो रिक्वेस्ट भेजे और हम एक्सेप्ट करेंगे। और आपका समय शुरू होता है अब।